मैं हूं आपके साथ अनवी सूद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। साहो वो फिल्म जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। देखा जाए तो बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद हर किसी को प्रभास से काफी उम्मीदें थी। फिल्म को क्रिटिक्स ने जहां ठीक ठाक बताया, वहीं ऑडियंस के भी मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। जहां कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, तो वहीं कुछ का कहना है कि प्रभास और श्रद्धा ने उनकी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर प्रभास और श्रद्धा के होश उड़ जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म रिलीज से एक दिन बाद ही ऑनलाइन लीक हो गई है। तमिल रॉकर्स के निशाने पर इस बार प्रभास की साहो आ गई। ये तो हर कोई जानता ही है कि तमिल रॉकर्स काफी समय से फिल्म्स को ऑनलाइन लीक कर रहे हैं। जजमेंटल है क्या, कबीर सिंह और ना जाने कितनी फिल्में इनकी चपेट में आए दिन आ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो जब भी कोई फिल्म ऑनलाइन लीक हो जाती है तो उसकी वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। वहीं साहो काफी बड़े बजट में बनाई गई है। इस फिल्म के लिए हॉलीवुड के 4 एक्शन डायरेक्टर्स को लिया गया था और तो और इसके एक्शन स्टंट्स के लिए पानी की तरह पैसा भी बहाया गया। लेकिन स्टिल लोगों का रिस्पॉन्स इस फिल्म को कुछ खास नहीं मिल रहा है। ऐसे में ऑनलाइन लीक होना मेकर्स के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। बता दें, साहो को सुजीत रेड्डी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में प्रभास, श्रद्धा के अलावा चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश जैसे कई स्टार्स इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। वेल, किसी भी फिल्म को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, लोग खून पसीना एक कर देते हैं। इसीलिए हम तो आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पायरेसी को कहे नो। वैसे दोस्तों, अब देखना तो ये होगा कि ये फिल्म ऑनलाइन लीक होने के बाद भी क्या धमाल करती है।